मैं एक भारतीय हूँ। आम तौर पर भारतीय ईश्वर और आत्माओं आदि पर अधिक विश्वास करते हैं। यह मेरा अनुभव नहीं है, यह मेरे दादा का है। हम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में रहते हैं। मेरे दादाजी दूसरे गांव में काम करते थे। वह साइकिल पर आते जाते थे। कभी कभी घर आने में देर सवेर हो जाता था। एक दिन मेरे दादाजी देर रात को साइकिल से घर आ रहे थे। हमारा गांव दूसरे गांव से कुछ दूर है, इसलिए रास्ता अंधेरे से भरे पेड़ों से भरा है। यह डरावना था, लेकिन मेरे दादाजी के लिए यह सामान्य बात थी, क्योंकि वह उस रास्ते से कई बार देर रात गए थे। जाते समय उन्होंने सफेद साड़ी में एक महिला को लिफ्ट मांगते देखा, लेकिन मेरे दादा नहीं रुके। जब वह कुछ दूर गए तो उन्होंने उसे फिर से देखा, लेकिन इस बार उसने मेरे दादाजी को कांटों में धकेल दिया। मेरे दादा उठे और पूरे खून और चोटों के साथ घर चले गए। मेरी दादी ने मेरे दादा से पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने उन्हें सब कुछ समझाया। मेरी दादी बहुत डर गई। वह काफी हिम्मती थी, लेकिन वह क्यों डर गई मुझे नहीं पता। उसके बाद 2 महीने तक मेरे दादाजी बिस्तर से नहीं उठे। तो मेरी दादी ने किसी को बुलाया जो पूजा करते थे। वह आदमी मेरे दादा को कहीं ले गया और उसने कुछ पूजा करवाई। इसके बाद वह सामान्य हो गए। मुझे नहीं पता कि उस समय मेरे दादाजी को कैसा लगा होगा, क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। किसी को भी कोई आइडिया है कि मेरी दादी ने ऐसा क्यों किया? मुझे इसके बारे में जानना है। जब मेरी माँ ने मुझे यह कहानी सुनाई तो मैं रोमांचित हो गई, लेकिन इस बात ने मुझे काफी डरा भी दिया था। सो आई होप गाइस आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी।